और बीच में कमलनाथ की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी 18 महीने के लिए, वर्तमान में बीजेपी की शिवराज सिंह की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों में कुछ फर्क रहा, कुछ फर्क पता चला या फिर वो ऐसे ही निकल गया जैसे 5 साल निकल? कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं समझ पता ही नहीं चला। बच्चे हैं आप लोगों के, इनकी शिक्षा वगैरह के लिए स्कूल वगैरह कहाँ पर है? सब तेवर पर, तेवर एक ही यहाँ बना है अभी सरकारी स्कूल। आंगनबाड़ी है या नहीं? सरकारी वाली है, सरकारी स्कूल। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होती है? पढ़ाई अभी तो बच्चे गए नहीं है तब पता नहीं है। नहीं तो आखिर आप लोग तो गए होंगे पढ़ाई, तो क्या उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक? ठीक है लेकिन सरकारी है। जब तेवर में स्कूल जी था हाई स्कूल तो अच्छी पढ़ाई होती थी और अभी भी अच्छी पढ़ाई होती है, प्लस क्या है स्टूडेंट जो है सर गाड़ी वाहन इतने तेज चलाते हैं, इतने तेज चलाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चियां जो अपनी सिस्टर लोग वगैरह होती हैं पूरा रोड कैप्चर करके चलती हैं, सामने वाला भैया हारंग मार रहा है दीदी अलग ही नहीं हो रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं इंसानियत के नाते हाँ सुरक्षा जरूरी है, जैसे सबके माता पिता भाई वैसे अपन सबके माता पिता है ना, और वैसे अपने भाई भाई बन, तो इनकी सबकी सेप्टिक चाहिए। गाड़ी वाहन भी जो नियम बोलता है कैन सरकार बोलती है उस हिसाब से गाड़ी वाहन अपन को ड्राइविंग करना चाहिए है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चल रहे हैं। अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान, सुरक्षा करना चाहिए, मतलब वो है कि सतर्क नाम जिंदगी। आप लोगों को भी यहाँ गांवों में जो सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह आयोजित करवाए जाते हैं, तो आप लोग की भी बहन बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत हो पाता है क्या? यहाँ पे तो नहीं होता, नहीं होता। नहीं। वो वहीं जाती है हम लोग नगर निगम। अच्छा, हर चीज के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नगर निगम जाना है और वहाँ जाने में 15 किलोमीटर लगेगे लेकिन काम नहीं होगा, आज गए तो बोले ठीक है कल आना, कल गए तो घरे बोले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जी हाँ, मतलब दूसरे वाले अधिकारी नहीं होंगे। जी हाँ, और अगर मिल भी गए तो अगर पता चला समग्र आईडी सही भी है तो बोले कि यार इसमें नाम गलत हो गया है, अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब भाई ये तो तुम ही सेट करोगे ना कैसा क्या है, हमसे पढ़ते हकीकत नहीं बनता बड़े भैया, अभी हम बोल रहे हैं पहला नाम है मेरा। केंद्र सरकार के मंत्री जी आए थे उसी टाइम मेरी हाजिरी बोल रही थी, प्रहलाद जी, हाँ प्रहलाद पटेल जी आए जी, ठीक है उसी टाइम मेरी हाजिरी बोल रही थी, माफी चाहता हूँ। सब अपनी जगह अच्छे हैं, बहुत आभारी हैं, काम किए थे हमने, मेहनत किए थे दिल से, 400 हमको मजदूरी दे रहे थे वो 400 ऐसे कुछ पैसे। मनरेगा के तहत मजदूरी वगैरह मिलती है? जी हाँ, ऐसा कोई सरकारी काम होता है ना, जो केंद्र सरकार का काम हुआ था इन्हें मस्त हम लोगों को पैसा दिया, जो भी है ईमानदारी से पैसा दिया, मतलब ये है कि मेहनत का किसी गरीब का पैसा नहीं खाया जी। ये चीज अच्छी हुई है लेकिन ये हम उनके सरकार के आभारी जी हाँ, किसके? प्रहलाद भैया जी के, हमारे बड़े भाई के पिताजी समान जैसे हैं वो, उनसे क्या बात। शिवराज सिंह चौहान जैसे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनको केंद्र में जाना चाहिए या फिर से मुख्यमंत्री बन जाए उनको? हाँ। तो अब ऐसा है, मैं इतना जड़ा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि सरकार सही साथ चल रही है, सरकार बीजेपी चले, क्योंकि सनातन काम एक नंबर का हो रहा है गुरु। मैं अभी बनारस गया था, काशी बनारस एक नंबर की व्यवस्था है जो वहाँ का कॉरिडोर बना।